पर मैं आलोक मौर्या को ये हिदायत देता हूँ, संभल के और सोच विचार के रहना, तीन कान आँख सब खोल के रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको समझना सोचना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन हुआ के घर वापस आ गई, घर वापस आ गई, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आगे की रणनीति क्या होगी ये शायद आलोक मौर्या नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो चीज है आलोक मौर्या को ये सोचना चाहिए था कि जो बच्चों की मोहब्बत में नहीं आई है आज तुम्हारे मोहब्बत में आई। इसके इस कार्रवाई से कितने लोगों को और कितने लोगों के दिलों पे ठेस पहुंचा है। बहुतों ने अपनी बीवियों को आईएएस आईपीएस पढ़ाने से इनकार। धीरे धीरे आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे चल के समय के साथ कोई ना कोई ऐसा दुर्घटना हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एक घायल शेरनी कभी ना कहीं तो पंजा मारने की कोशिश करेगी। कैसे देखेंगे आलोक मौर्या ने जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के ज्योति मौर्या पर, वो वापस ले लिए? पहली बात, इन्होंने जो किया है, आलोक मौर्या नाम है ना उनका, आलोक मौर्या नाम है। आपको जब वापस लेना था आरोप तो आपने लगाया क्यों? ठीक है, ठीक है, आपकी पर्सनल मैटर था तो उस मैटर को आपस में सुलझाना चाहिए था। उस वक्त तो आप बिलबिला के रो रहे थे, आज तुमने एक क्या नाम है, कोई वो भी था हवलदार का बड़ा सीनियर, क्या नाम था उसका, मनीष कुछ ऐसे था, मनीष दुबे, उस पे सस्पेंड करके बाबा जी ने कार्रवाई करवाया। ठीक है, करवाया कि नहीं करवाया? आज तुम समझौता कर लिए हो मियां बीबी में ज्योति मौर्या के साथ, कल तुम्हारे जब घोड़े खोले जाएंगे, आज नहीं 2 साल बाद, किसके आगे रोने जाओगे तुम बताओ? किसके आगे आलोक मौर्या रोने जाओगे? कल को तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना या कोई ऐसी चीज होती है तो किसके आगे रोगे? जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कौन बदलेगा? बदला लेगी ज्योति मौर्या क्या फिर? डरा रही है अभी? कुछ भी हो सकता है। एक घायल शेरनी कभी ना कहीं तो पंजा मारने की कोशिश करेगी। हाँ, क्योंकि देखो वो घायल शेरनी है, जिस तरह बोलते हो ना घायल सांप, ठीक है, आधा मार के आपने छोड़ दिया अगर ना, तो आपको सोच लो उसकी खुशबू, तुम्हारी खुशबू उसके नाकों में बसी रहेगी। जब तक वो बदला नहीं ले लेगा ना, जब तक वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। आलोक मौर्या तो कह रहे हैं कि बच्चों का प्यार है, हम इसके लिए समझौता कर रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्या को क्या लगता है बच्चों से मोहब्बत है अभी भी? मेरी बात सुनो, अगर उनको मोहब्बत होता तो उस बंदे को धोखा नहीं देती, ठीक है। ज्योति मौर्या आलोक मौर्या को धोखा नहीं देती, ठीक है। अगर उनको यही सब करना था अपने डिपार्टमेंट में रख के भी करती, कोई कुछ नहीं कहता। भाई कुछ चीजें गुप्त भी होती हैं जिसको कुछ पता भी नहीं लगता है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आने वाले समय पे गड़बड़ जरूर हो सकता है। तो जो एनकाउंटर वाली जो बातें चल रही थी, साजिश रची जा रही थी आलोक मौर्या को मारने की, क्या लगता है कि अब खत्म कर दी जाएगी, आगे भी कुछ ऐसा रहेगा? देखो मैं एक चीज बताऊं, हम तो जान नहीं रहे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, इस बात को तो हम नहीं जानते हैं। पर धीरे धीरे आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे चल के समय के साथ कोई ना कोई ऐसा दुर्घटना हो सकता है। तो समझौता नहीं है क्या, जाल है फिर? कुछ भी कह सकते हैं। जो एक चीज बताओ, अगर उसको रहना ही होता तो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के साथ ऐसा क्यों करती, ठीक है ना। और ज्योति और इनको आलोक जो उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो भी ये नहीं कहते भाई मेरे पति ने मेरा मेहनत किया है और मुझे पढ़ा। इसके इस कार्रवाई से कितने लोगों को और कितने लोगों के दिलों पे ठेस पहुंचा है। बहुतों ने अपनी बीवियों को आईएएस आईपीएस पढ़ाने से इनकार कर दिया है कि आज उनके साथ हुआ कल मेरे साथ भी हो सकता है। ये धब्बा नहीं है, कईयों के लोगों के मनसूबों पे पानी फेर दिया है इन लोगों ने, ये गलत। आज पहले तुमने इस चीज को किया, ठीक है, इशू बना दिया, कितने औरतों के जीवन बर्बाद हुआ आपने देखा। कईयों ने बोल दिया कि मैं अपनी बीवी को नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा रहे थे वो वापस बुला लिए, इस पे फर्क नहीं पड़ा है। और आज तुम एक हो गए सारे, एक हो गए। पहले सब तुमको जहर घोल दो, उसके बाद एक हो जाओ। एसडीएम मैडम की जो है मोहब्बत का क्या होगा जो मनीष दुबे के साथ चल रही थी, अगर वापस वही होगा
मंजूरे जो खुदा होता है, मंजूरे खुदा वाली बात आई, यहाँ यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहीं नहीं जहाँ नहीं खुदा है, फिर खुदेगा तो फिर मोहब्बत कहीं ना कहीं खुदेगी। हाँ, और वो मोहब्बत जब खुदेगी फिर किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गड्ढा इसीलिए खुदेगा कि जो गड्ढे में गया एकदम से गया, एकदम से गया, समझ लो। हाँ, लेकिन अब तक पद पर भी बनी हुई है, क्यों पद नीचे अंश जी वापस लिया जा रहा? देखो, एक छोटा मोटा पोस्ट पे तो है नहीं, ठीक है ना, उस पर कार्रवाई हुआ, ठीक है, उनकी फैमिली मैटर था, ठीक है, फैमिली मैटर में जो भी कुछ बाबा को लगा या वहाँ के बाबा के कानून को, जो भी पुलिस अफसर को लगा उसी हिसाब से किया। जो उसमें दोषी था, मेन दोषी मनीष दुबे, उसको सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई हुई, हुई कि नहीं हुई? हुई। अब ये सोचो इसमें क्या सच है क्या झूठ है, ना तो आलोक मौर्य जानता कि ज्योति मौर्य के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, ना मनीष के दुबे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो नहीं है, मनीष दुबे के उसमें क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज समझना चाहूंगा, आलोक मौर्य ने जब केस किया था तब उनके पास जो सारी सबूत थे, ठीक है, एविडेंस थे, सारी डायरी थी, सब कुछ था, लेकिन अब एकदम से वापस लेना, क्या कहीं लगता है दबाव है उनके ऊपर? देखो, वापस लेना भी कोई ना कोई कारण तो है। उन्होंने सोचा कि यार मेरी बीबी वापस आ रही है, पर जब प्यार का मोहब्बत का मारा होता है ना तो उसे मौत भी नहीं दिखाई देती है कि इसके प्यार में अगर मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से उसके अंदर प्यार था, वो था, इस वजह से ज्योति मौर्य के मोहब्बत है तभी घर बचा। हाँ, तभी घर, पर वो मोहब्बत कितनी खतरनाक हो जाएगी वो नहीं जानते आगे टाइम पे, आगे टाइम पे क्या रंग लाएगी कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। बस गया घर तो अच्छी बल्ले बल्ले, और नहीं घर बसा तो फिर थल्ले थल्ले। पर इनको जो है ज्योति मौर्य मैडम साहिबा को जो अभी तक बच्चों की मोहब्बत नहीं खींच पाई, क्या उन्हें बच्चों से मोहब्बत नहीं, पति का तो छोड़ सकते? वही तो चीज है, आलोक मौर्य को ये सोचना चाहिए था कि जो बच्चों की मोहब्बत में नहीं आई है आज तुम्हारी मोहब्बत में आएगी। नहीं, गलत है ये सरासर गलत है। आने वाले समय पे अगर जीवन रहा तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलेगा आलोक मौर्य के बारे में। हाँ, तो क्या होगा आलोक मौर्य का अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो है समझौता हो गया, घर वापस आ गई वो? तो समझौता हुआ, घर वापस आ गई, घर वापस आ गई, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आगे की रणनीति क्या होगी ये शायद आलोक मौर्य नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, और जब होगा फिर हम तुम्हें इसी कैमरे के आगे मिलेंगे। अच्छा, सक क्यों कर रहे हैं जो? देख, मौका तो बराबर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, पर मैं आलोक मौर्य को ये हिदायत देता हूँ, संभल के और सोच विचार के रहना, तीन कान आंख सब खोल के रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको समझना सोचना बहुत जरूरी है, ये आपके जीवन के लिए है। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाई, बाहर रह के कुछ नहीं कर पाई, अब दोबारा कर पाएंगे? देखो, ज्योति मौर्य के कारण कई लोगों की लाइफ खराब हुई है, ठीक है, कई आईएएस अफसरों की जो पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस आईपीएस की ना, उनकी कई लोगों की लाइफ खराब की है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो दोषी तो हैं। इस तरह का करने पे पिक्चर जो सामने आई उनकी, वो कहीं ना कहीं दोषी हैं, पर उसके दोषी के बावजूद भी उसका पति का दिल बड़ा हुआ कि चलो अपना मैं, मेरी बीबी मुझे वापस मिल रही ना, प्यार बड़ा अंधा होता है, बीबी परिवार का प्यार बड़ा अंधा होता है, कुछ भी करके आ जाए पति इतना वो होता है कि उसको फिर भी अपना लेता है, अपना लिया बड़ी खुशी की बात है, पर उसके आगे उसके जीवन के लिए मैं तो चाहूंगा कोई खतरा ना हो बस। लेकिन ये हीरा ठाकुर नहीं बन पाए, देखिए कहानी फिर से नया मोड़ ले गई। क्या बात है, हर कोई हीरा ठाकुर नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। हीरा ठाकुर को दिखाया गया उसमें अनपढ़, उसने अपनी बीबी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाया, और वो कलेक्टर इतनी अच्छी बनी वो कि उसने अपने ससुर को जब पानी के लिए पास करवाने जाते हैं कलम गिरा के उसका आशीर्वाद भी लिया उसने, ठीक है ना। ये थी पिक्चर सूर्यवंशी, अमिताभ बच्चन की हीरा ठाकुर वाली। ये क्या बनेंगे, उसके तो निभा भी नहीं पाई ये ज्योति मौर्य, निभाने तीसरा ही कोई ठाकुर ढूंढने चली गई थी ये। चलिए।